बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 632 की असाइनमेंट नंबर 2 LMS पे अपलोड कर दी गई है, जिसके टोटल नंबर 10 हैं और 14 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। स्टूडेंट्स, असाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बिल्कुल 100% करेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं। इसके लिए मैं काफ़ी तगोदो भी करता हूं, रिसर्च भी करता हूं, अगर कहीं से कुछ डाउट हो तो। सो काइंडली फीडबैक अच्छा दीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फंक्शन दिया हुआ है, कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन दिया हुआ है, एफ जी इक्वल टू जी स्क्वायर। तो हमने इसको साबित करना है कि ये एनालिटिक है कि नहीं है। तो फंक्शन को एनालिटिक प्रूव करने के लिए हमें काशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाइड करवाना होता है। तो काशी रीमान इक्वेशन के लिए पहले ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, जबकि z इक्वल टू है x प्लस वाई के। अब जबकि यहाँ पर z का स्क्वायर है, तो इस फंक्शन का सारे का स्क्वायर ले लेंगे। इधर भी स्क्वायर लिया, इधर भी स्क्वायर लिया, एक स्टेप आप इजाफी कर लीजिएगा, इधर भी स्क्वायर लिया और इधर भी स्क्वायर लिया। स्क्वायर लेने के बाद इसको ओपन करेंगे तो इसके दो पार्ट बन जाएंगे, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर माइनस वन के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस वन वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और टू एक्स वाई अयोटा। अब ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेंगे। रियल को मैंने यू का नाम दे दिया, इमेजिनरी को वी का नाम दे दिया। काशी रीमान इक्वेशन क्या कहती है कि आपने इसका एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, इसका वाई के लिहाज से लेना है। तो इसका एक्स के लिहाज से लेंगे तो टू एक्स आ जाएगा, इसका वाई के लिहाज से लेंगे तो टू एक्स आ जाएगा इसका भी, ठीक है जी। यानी इसमें x आपका वेरिएबल है, y कांस्टेंट है, इसमें आपका y का वेरिएबल x कांस्टेंट है, ठीक है। x वैसे का वैसे रहेगा, y का वन आ जाएगा। सो ये दोनों चीज़ें बराबर आ गई। तो काशी रीमान इक्वेशन भी यही कहती है कि पार्शियल u और पार्शियल x बराबर होना चाहिए, किसके, पार्शियल v और पार्शियल y के। अब हम पार्शियल u का y के हिसाब से लेंगे डेरीवेटिव, यानी इसी को डेरीवेट करेंगे, पार्शियल डेरीवेट करेंगे किसके हिसाब से, y के हिसाब से। अब x जो है वो आपका कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का जीरो, इसका लेंगे तो माइनस टू वाई आ जाएगा। इसका लेंगे अब एक्स के लिहाज से, इसमें अब वाई कांस्टेंट है, वाई वैसे का वैसे, एक्स का वन आ जाएगा, तो ये टू वाई आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन पार्शियल सरिका श्रीमान की यही है कि पार्शियल वी और पार्शियल एक्स बराबर होना चाहिए किसके, माइनस पार्शियल यू और पार्शियल वाई के। ये कह लें कि पार्शियल यू और पार्शियल वाई बराबर होना चाहिए माइनस पार्शियल वी और पार्शियल एक्स के। सो ये दोनों इक्वेशन या दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो फंक्शन आपका क्या होगा, काशी रीमान इक्वेशन के हिसाब से एनालिटिक होगा, ठीक है जी। सेटिस्फाई काशी रीमान कंडीशन थ्रू आउट द कम्प्लेक्स प्लेन सिंस द पार्शियल डेरिवेटिव आर क्लियरली कंटिन्यूस, वी कंक्लूड दैट एफ जी इज एनालिटिक एंटायर फंक्शन। एंटायर फंक्शन प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन है आप चूँकि ये हर जगह एनालिटिक है, इसलिए इसको हम एंटायर फंक्शन भी अवेलेबल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जी, ये इक्वेशन दी हुई है, इसको हार्मोनिक फंक्शन बताना है कि नहीं है। तो हार्मोनिक के लिए भी हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, लेकिन डबल डेरिवेटिव लेते हैं। यानी इसका पहले x के लिहाज से देंगे, इसको एफ एक्स का नाम दे दिया, x के लिहाज से लेंगे तो 2x आ जाएगा, फिर अगेन इसका x के लिहाज से लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, यानी 2x का दोबारा x के लिहाज से लेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह अब इसका हम y के लिहाज से भी लेंगे तो ये माइनस 2y माइनस 1 आ जाएगा, अब x कांस्टेंट हो जाएगा ना, दोबारा वाई के लिहाज से लेंगे तो माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। अब हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एफ डबल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ऑन एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑन वाई डबल डेरिवेटिव ऑन वाई, इन दोनों को प्लस करें तो जीरो आना चाहिए। तो करके देखते हैं, एफ एक्स एक्स यानी सिंगल डबल डेरिवेटिव ऑन एक्स क्या आया, टू आया, एफ वाई वाई डबल डेरिवेटिव ऑन वाई क्या आया, माइनस टू आया। तो इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो जीरो आ जाएगा, एंड फंक्शन इज हार्मोनिक। तो ये आपका हार्मोनिक फंक्शन हो गया। थैंक यू। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको याद नहीं रहा।